हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया जैन, आप सभी का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल नेचर कैनवास में। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करूंगी जिसे आप भरी गर्मियों में भी अगर 7 से 8 दिन तक भी पानी ना दे तो वो बड़ी आसानी से चल सकता है। बल्कि मैं तो यही कहूंगी कि वो प्लांट ज़्यादा वाटरिंग करने से ही मरेगा। अगर आप उसमें वाटरिंग नहीं करेंगे तो वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा वाटरिंग करने से वो प्लांट डेड हो जाएगा। जहाँ भरी गर्मियों में चारों तरफ एक दिन भी किसी प्लांट को हम पानी ना दें तो वो मरने लगता है, सूखने लगता है, फ्लावरिंग तो करता ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर ये प्लांट भरी गर्मियों में बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है और बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। और वो प्लांट है दोस्तों, ये अडेनियम का प्लांट। ये देखिए इसका कितना अच्छा फ्लावर खिला हुआ है, ये देखिए आप लोग। दोस्तों, अडेनियम के प्लांट्स देखने में बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। इनकी खूबसूरती इनके कोडेक्स से होती है। ये जितना ज़्यादा ओल्ड एज होता जाता है, मतलब जितनी इसकी एज बढ़ती जाती है, उतना ही इसका कोडेक्स खूबसूरत होता जाता है। इसकी खूबसूरती इसके कोडेक्स से होती है। और ये सालों साल चलने वाले प्लांट होते हैं जो एक बहुत ही ऑथेंटिक लुक, एक क्लासिकल लुक देते हैं हमारे गार्डन को। और इसके फ्लावर्स भी बहुत डिफरेंट कलर में बहुत सुंदर सुंदर आते हैं। ये साल में 2 बार फ्लावरिंग करता है, एक तो फरवरी से मार्च का जो महीना आता है उसमें, और दूसरा ये रेनी सीजन के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर तक का जो महीना होता है उसमें ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। उसके बीच में ये मई जून की जो गर्मियाँ पड़ती हैं या बहुत ज़्यादा बारिश होती है उनमें ये बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं करता, और विंटर में तो ये अडोरमेंसी में चला जाता है। इसके लीव्स भी झड़ने लगते हैं। तो ये साल में 2 बार फ्लावरिंग करता है, एक तो फरवरी से मार्च के बीच में, एक ही अगस्त से अक्टूबर के बीच में। इसमें बहुत अच्छी और हैवी फ्लावरिंग होती है, इसलिए जिस सीजन में ये फ्लावरिंग नहीं करता है आप उसमें इसे कोई एक्स्ट्रा खाद ना दें ज़रूरत से ज़्यादा, क्योंकि ये अपना सीजन आने पर ही फ्लावरिंग करेगा, चाहे आप इसे कितनी भी अच्छा फर्टिलाइजर दे दें। बल्कि ओवर फर्टिलाइजर से ये प्लांट मरने लगता है। इसके फूलों की खूबसूरती देखते ही बनती है। दोस्तों, इस प्लांट को वाटरिंग की भी बहुत कम ज़रूरत होती है। इसके लिए आप छोटे से छोटे पॉट का चुनाव करें। बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट आपको इसके लिए नहीं लेना है, क्योंकि जितना छोटे पॉट में आप इसे लगाएंगे इसका कोडेक्स उतना ही खूबसूरत होगा, क्योंकि उसका कोडेक्स उतना ही ज़्यादा मोटा होता जाएगा और इसकी खूबसूरती इसके कोडेक्स से ही होती है। आप देख सकते हैं इस समय मेरे इस प्लांट में कितनी सारी बर्ड्स आई हुई हैं, और ये अक्टूबर तक बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा और फ्लावर का साइज भी काफ़ी बड़ा है। दोस्तों, इसके लिए जो बेस्ट फर्टिलाइजर है वो है बोन मील फर्टिलाइजर। आप इसे साल में 2 बार जब इसका फ्लावरिंग का सीजन हो अच्छे से बोन मील फर्टिलाइजर दीजिए। इसके अलावा आपको इसे कोई भी फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसके फ्लावरिंग सीजन पे इसे बोन मील देंगे तो ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा और बहुत बेहतर, बहुत सुंदर इसके फूल आएंगे और फूलों का साइज भी बहुत बड़ा होगा, काफ़ी दिन तक वो आपके प्लांट पर टिके रहेंगे। अगर आपके प्लांट पर इस तरीके से ये कलियाँ सूखने लगे तो इसका मतलब ये है कि या तो आपने इसे ओवर वाटरिंग कर दी है या फिर ओवर फर्टिलाइजर दे दिया है। मैंने अभी कुछ दिन पहले अपने और प्लांटों के साथ इसे बनाना पील फर्टिलाइजर दे दिया था, शायद ये उसी का रिएक्शन है, क्योंकि इसमें बनाना पील फर्टिलाइजर बहुत कम दिया जाता है, दिया ही नहीं जाता। वैसे तो इस प्लांट में किसी तरह की कोई बीमारी, पेस्ट का अटैक नहीं होता, ना ही कोई फंगल इन्फेक्शन होता है, लेकिन एक बात हमें इसके लिए ध्यान रखनी है कि इसके कोडेक्स को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। वहाँ पर आपके आसपास कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसमें फंगस लग सकती है, क्योंकि उसमें एक बार फंगस लगी तो इसका पूरा कोडेक्स गल जाएगा, फिर आप उसे बचाना भी चाहेंगे तब भी वो नहीं बचेगा। इसलिए इसके कोडेक्स के आसपास ऐसी कोई भी चीज़ ना पटके जिसमें कि फंगस लगने का डर हो, उसके गलने का डर हो, ना ही आपके हाथ के नेल्स वगैरह इस कोडेक्स में लगने चाहिए, क्योंकि इसमें जरा सी देर में इन्फेक्शन फैल जाता है। जब आपके कोडेक्स पे आपका कोई भी नेल्स वगैरह लग जाता है या कोई भी फंगस वाली चीज़ लग जाती है तो आपका कोडेक्स ख़राब होने लगता है। वो कोडेक्स आप उसे बचाना भी चाहेंगे तब भी नहीं बचेगा, बहुत ज़्यादा कोशिश करने पर ही शायद बचे। तो इस प्लांट की और कोई ज़्यादा केयर नहीं है। मिलते हैं दोस्तों आगे एक नई जानकारी के साथ है। उम्मीद है कि आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड बाय दोस्तों।